तो गाइज ये है पोर्नो स्ट्रिप्स। इस वीडियो को देख के आपको लग रहा होगा ये जो स्ट्रिप है नोज एरिया के ब्लैक हेड व्हाइट हेड को खींच के निकाल रही है, लेकिन नहीं, ये जो क्रीमी सा चिपचिपा सा आप लोग पेस्ट देख रहे हो ना, इन्हें सबिशियस फिलामेंट बोला जाता है, जो कि ऑयल सीबम और डेड स्किन की वजह से बनता है। ये हमारे स्किन के काफी डीप तक होता है, हमारे पूरे पोर्स को ब्लॉक करके रखता है और सबिशियस फिलामेंट की वजह से ही हमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड टाइनी बम पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो पोर्नो स्ट्रिप्स क्लेम करती है कि आपके स्किन में से सबिशियस फिलामेंट को बाहर निकालेगी। हालांकि कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो भी वायरल प्रोडक्ट्स होते ना उन्हें मैंने खुद खरीद के ट्राई किया था। उस वीडियो में ना मैंने पोर्नो स्ट्रिप्स को भी ट्राई किया था और इसके बारे में मैंने कुछ ये बोला था, आप वीडियो देखो। ये बहुत ही इजीली रिमूव हो जा रही है ये स्ट्रिप ना गाइस, नोज एरिया के जो पोर्स है ना उन्हें ब्लॉक कर रही है। ये आपके प्रॉब्लम को कम तो नहीं करेगी, उल्टा बड़ा जरूर देगी। इसकी वजह से ना नोज एरिया पे एक्ने भी हो सकते हैं। बहुत ही घटिया नोज स्ट्रिप से ये, भूल के भी इसका यूज मत करना। ये कहने के बाद ना काफी लोग कॉमेंट्स करने लगे कि भाई तूने इसे गलत तरीके से यूज किया है। इसे यूज करने से पहले ना नोज एरिया को वेट करना होता है, स्ट्रिप को लगा लेने के बाद ऊपर से भी पानी छिड़कना होता है, तब जाके स्किन के अंदर स्टिक हो पाती है और इसके रिजल्ट मिलते हैं। काफी लोग ने ये बात कॉमेंट्स के अंदर प्यार से समझाई, कुछ लोगों ने मजे लिए। दो हफ्तों में ना वो वीडियो 1 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर चुकी थी। इतने सारे कमेंट्स आने लगे ना कि मैं नहीं इग्नोर कर पाया। एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है पोर्नो स्ट्रिप्स के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर समझाया है उसी तरह से आज मैं इसे यूज करूंगा। देखते ये वर्क करती है नहीं करती है। अगर ये वर्क कर गई ना कसम से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होगा नोज एरिया के ब्लैक हेड व्हाइट हेड टाइनी बम्स को रिमूव करने के लिए। तो बने रहिए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सभी के एक कॉमन से क्वेश्चन का आंसर कर देना चाहता हूँ। काफी लोग ना कमेंट्स के अंदर पूछते रहते हैं कि भाई गर्मियों के मौसम में कौन से सनस्क्रीन का यूज करें, क्योंकि जैसे ही सनस्क्रीन लगा के हम लोग घर से बाहर जाते ना स्वेटिंग होने लगती है, पूरी सनस्क्रीन उतर जाती है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाते सनस्क्रीन के। देखो लास्ट 2 मंथ से ना मैं सनस्कूप की इनविजिबल सनस्क्रीन का यूज कर रहा हूँ। ये एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है, अगर आप इसे लगा के धूप में जाओगे भी ना आपको स्वेटिंग हो भी रही है तो ये उतरेगी नहीं, इसका असर जो है आपके चेहरे पे बना रहेगा। पानी से रगड़ रगड़ के धोगे, फेस वॉश करोगे तो ये उतर जाएगी, लेकिन नॉर्मली पानी के छींटे उड़ेगी या फिर स्वेटिंग होगी ना ये नहीं उतरने वाली। आप इसे बारिश में भी यूज कर सकते हो। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है विद SPF 40 एंड PA++। जेल बेस्ड सनस्क्रीन है तो ऑल स्किन टाइप वाले इसका यूज कर सकते हैं। ग्रीसी चिपचिपा नहीं बनाती है चेहरे को, किसी भी हार्श केमिकल का यूज नहीं किया गया इसके अंदर। और ये एक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड सनस्क्रीन है, FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ये। व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती चेहरे के ऊपर। और ये नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन है, मतलब ये आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगी, इससे आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। इसे मैं अपने फेस के ऊपर यूज करता हूँ। और बॉडी के लिए ना सेम ब्रांड की मतलब सनस्कूप की हाइड्रेटिंग फ्लूइड सनस्क्रीन का मैं यूज करता हूँ। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ये वाली ना वाटर रेजिस्टेंट नहीं है और इसका जो टेक्सचर है ना वो लिक्विड है। हालांकि SPF इसके अंदर ज्यादा है, 60 है, और इसके अंदर आपको PA++++ मिलेगा। फेस और बॉडी दोनों पे आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे बॉडी पे ज्यादा सुटेबल लगती है इसलिए मैं बॉडी के ऊपर यूज करता हूँ। ब्रांड को कॉन्टेक्ट करके ना मैं आपके लिए डिस्काउंट कूपन वगैरह अरेंज करा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। परचेस लिंक के साथ साथ आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा। टॉपिक पे फिर से आते, तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स के अंदर समझाया था, स्ट्रिप को अप्लाई करने से पहले नोज को जो है हॉट वाटर से वेट कर लेना है। तो स्टीमर के अंदर मैंने हॉट वाटर ऐड कर लिया है, नोज को वेट कर लेता हूँ, स्ट्रिप को भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो स्टीमर के अंदर अब मैंने नॉर्मल वाटर ऐड कर लिया है रूम टेम्परेचर का, क्योंकि स्ट्रिप को जो है ऊपर से भी वेट करना होता है। ओके, तो ऊपर से भी वेट कर लिया इसे, अब वेट करते हैं। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो ना इसे मिनी स्टीमर बोला जाता है। अगर आप इसके अंदर हॉट वाटर ऐड करोगे तो ये हॉट वाटर स्प्रे करेगा, कोल्ड वाटर ऐड करोगे तो कोल्ड वाटर स्प्रे करेगा। आप इसके अंदर टोनर रोज वाटर वगैरह डाल के भी चेहरे के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। काफी चीप प्राइस पे मिल जाता है, तो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक 10-12 मिनट हो चुके हैं, ये स्ट्रिप जो है अच्छी तरह से सूख चुकी है और फील तो हो रहा है कि स्ट्रिप जो है स्किन में अच्छे से स्टिक हो चुकी है। अब इसको रिमूव करके देखते हैं। बहुत ही इजीली रिमूव हो जा रही है, बहुत ही घटिया नो स्ट्रिप से ये, भूल के भी इसका यूज मत करना। ओके, स्किन मेरी ऑलरेडी एकदम क्लियर रहती है, उसके बावजूद सबिशियस फिलामेंट तो निकाला है स्ट्रिप ने, थोड़ा ये बट है, काफी अच्छे से ये स्टिक भी हो चुकी थी और इसने सच में नोज एरिया को काफी डीपली क्लेंस किया है। इसके ऊपर सबिशियस फिलामेंट दिखाई दे रहा है मुझे, तो जिनको भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड टाइनी बम्स की प्रॉब्लम है ना उन पे काफी अच्छा ये वर्क करेगी। देखो प्रोडक्ट अच्छा है, वर्क कर रहा है, लेकिन दिक्कत है गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इसे यूज कर लेने के बाद ना नोज एरिया पे स्टिकीनेस तो रह जाती है, अभी भी मुझे स्टिकीनेस फील हो रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी इसने छोड़े नोज पे जो कि पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं एक बार फेस
वॉश करके देख लेता हूँ ये रिमूव हो पाता है या नहीं हो पाता है। ओके, तो फेस वॉश मैंने कर लिया है, वो जो स्टिकीनेस थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना, वो रिमूव हो चुके हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप नोज पोर स्ट्रिप को यूज कर रहे हो ना, तो इसे यूज कर लेने के बाद आप अपना फेस वॉश कर ले नॉर्मल वाटर से। अगर आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, टाइनी बम्स की प्रॉब्लम है ना, तो आप इसे यूज कर सकते हो, ये वर्क करती है। बस आप इसे सही तरीके से यूज करना। स्ट्रिप को अप्लाई कर लेने से पहले ना आपको अपने नोज एरिया को अच्छे से वेट कर लेना है वाटर से। स्ट्रिप को अप्लाई कर लेने के बाद ना ऊपर से भी आपको पानी छिड़कना है ताकि ये स्टिक हो पाए और इसके रिजल्ट आपको मिले। बस आप इससे ना कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, वायरल वीडियोस की तरह ना ये आपकी स्किन को एक ही बारी में एकदम क्लियर नहीं कर पाएगी। आप इसे अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करो, डेफिनेटली धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप इसे हफ्ते में दो बार यूज करना। अपनी लास्ट वीडियो में ना मैंने इसे गलत तरीके से यूज किया था, इसलिए वर्क नहीं करी थी। तो मेरी वो जो वीडियो है ना वायरल प्रोडक्ट वाली, उसके आई बटन, डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट एंड स्क्रीन हर जगह पे इस वीडियो को मैं अटैच कर दूंगा, ताकि वो वीडियो देख के कोई भी मिसगाइड ना हो मेरी एक गलती की वजह से। और थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोगों ने मुझे इसे यूज करने का सही तरीका समझाया कमेंट्स के अंदर। शिल्स प्रोफेशनल की नो स्पोर्ट्स स्ट्रिप का मैंने इस वीडियो में यूज किया है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। और हाँ, मैं आप सभी को ना एक बात बताना चाहता हूँ। काफी लोग ना मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछते रहते थे कि भाई मास्टरबेट करने से एक्ने पिंपल होते हैं। इस टॉपिक को ना मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किया था, इस वाली वीडियो के अंदर काफी आपको क्लियरिटी दी थी मास्टरबेशन, एक्ने पिंपल, इनमें कोई लिंक है या नहीं है, मास्टरबेशन को लेकर जितनी भी अफवाह होती ना वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी थी। और उस वीडियो में ना मैंने सभी को एक टारगेट भी दिया था कि अगर वीडियो के ऊपर 1000 से ज्यादा लाइक्स आ गए ना, तो उसका सेकंड पार्ट भी बनेगा। और गेस व्हाट, 9000 से ज्यादा लाइक है उस वीडियो के ऊपर, मतलब मेरी जो अगली वीडियो होगी ना वो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो जरूर देखना, बहुत सी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, क्लियरिटी आपको मिलेगी मास्टरबेशन को लेकर। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।